दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। यहां पर लेटेस्ट अपडेट के साथ शिक्षक भर्ती के और उसकी पूरी जो यहां पर जानकारी है उसके साथ हम आपके बीच यहां पर उपस्थित हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज का अपडेट। अगर हम लोग यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से आज अपडेट देखें तो बिहार के स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए चाहिए 1.40 लाख 1.40 लाख शिक्षक। तो 1.40 लाख शिक्षक की यहाँ पर आवश्यकता है। उसके बाद पूरी बात हम जानेंगे कि क्या किस प्रकार से यहाँ पर आगे होने वाली है। तो ये खबर बिहार से है और पूरी बात जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्राथमिक और मध्य विद्यालय में ही 1.15 लाख शिक्षकों की कमी है। तो प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय यानी कि स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 8 तक शिक्षकों की आवश्यकता है और 1.15 लाख टोटल शिक्षकों की कमी है। उसके बाद आगे भी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए शिक्षकों की कमी बड़ा रोड़ा बना हुआ है। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए राज्य में 1.40 लाख शिक्षकों की बहाली करनी होगी। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 1.15 लाख शिक्षकों की कमी है, जबकि उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों में लगभग 25,000 शिक्षकों की बहाली करनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो 9th, 10th और 11th, 12th के लिए भी यहाँ पर 25,000 शिक्षकों की बहाली करनी होगी। तो बेसिकली समान काम के लिए समान वेतन का मामला जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके कारण कई महीनों से जो है शिक्षकों की बहाली बंद है। रिसेंटली अभी बीटेट का भी एग्जाम हुआ, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। चूंकि अभी यहाँ पर समान काम समान वेतन का मामला जब तक क्लियर नहीं हो जाता है चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। तो राज्य में अभी प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक 4.40 लाख शिक्षक हैं। प्राथमिक स्कूलों में 3.19 लाख नियोजित और 77,000 वेतनमान पर नियमित शिक्षक हैं। उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 37,000 नियोजित शिक्षक हैं, जबकि 7,000 पूर्ण वेतनमान वाले शिक्षक हैं। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। यहाँ पर अगर देखें तो मध्य विद्यालय को बना दिया गया है हाई स्कूल, पर शिक्षक नहीं बढ़े। तो जितने भी बहुत सारे यहाँ पर मिडिल स्कूल थे तो उनमें से बहुत सारे मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना दिया गया, लेकिन उसके बाद उसके हिसाब से शिक्षक वहाँ पे नहीं बढ़े हैं। तो सरकार का लक्ष्य है कि सभी मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में उत्क्रमित कर दिया जाए। आप देखे होंगे उत्क्रमित मध्य विद्यालय के नाम से उन्हें नाम दिया जाता है। इस साल भी सरकार ने कम से कम 1,000 मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में उत्क्रमित करने का लक्ष्य रखा है। हाई स्कूल में परिवर्तन के बाद भी यहां आवश्यक शिक्षक नहीं मिले, शिक्षकों की कमी से पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं 2011 में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए TET और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक की नियुक्ति के लिए STET भी ली गई थी। तो ये 2011 में ये हुआ था। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर चाहिए 30 छात्रों पर एक शिक्षक, अभी है 50 पर एक शिक्षक। जो अनुपात होना चाहिए शिक्षक छात्रों का वो बेसिकली 30 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन अभी 50 छात्र पर एक शिक्षक हैं। तो उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में छात्रों की तुलना में शिक्षकों का अनुपात कम है। राज्य में अभी करीब 50 छात्रों पर एक शिक्षक हैं, जबकि व्यवहारिक तौर पर 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। बेहतर शिक्षक ना मिलने से के पीछे वेतन कम होना भी एक कारण है कि वेतन ठीक ढंग से नहीं मिलता है, वेतनमान उतना नहीं है, इस वजह से बेहतर शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में तब्दील तो कर दिया गया है, लेकिन जरूरत के हिसाब से स्कूलों में कमरों का निर्माण नहीं हो सका है। और शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत आइडियल स्थिति है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। स्कूलों में शिक्षक की कमी दूर करने के लिए लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली करना यहाँ पर आवश्यक है। तो कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर शिक्षकों की बहाली होगी। अब तो शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर बहाली की जरूरत है। समान काम समान वेतन मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद फिर से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए +2 स्कूल में अतिथि शिक्षकों को भी रखा गया है। इसी प्रकार हाई स्कूल में भी अतिथि शिक्षक अब रखे जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब कोर्ट का फैसला होगा उसके बाद शिक्षकों की बहाली होगी। तो ये पूरा यहाँ पर अपडेट जो है यहाँ पर निकल के आया है, और शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, उनका ये स्टेटमेंट था। तो ये अब यहाँ पर आगे देखना जरूरी होगा कि जब यहाँ पर समान काम समान वेतन का मामला यहाँ पर रिजॉल्व हो जाता है उसके बाद किस प्रकार से बहाली निकलती है और कैसे वहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। हर एक
अपडेट के साथ हम आपके बीच बने रहेंगे। जो भी शिक्षक बहाली होगी और उसके साथ साथ दूसरे राज्यों में भी जो बहाली होगी उसके लिए हम यहाँ पर बने रहेंगे। कहीं ना कहीं अभी पूरे भारत में जैसा कि हमने पहले की वीडियो में बताया था कि 9 लाख शिक्षकों की जरूरत है और वो यहाँ पर अभी टारगेट अब पूरा करना है, तो बहाली अभी होगी। तो जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं या आप उस प्रोसेस में हैं, चाहे वो आप डीएलएड कर रहे हो या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको यहां पर सारी जानकारी दी जाएगी। मिलते रहेंगे हम अगले वीडियो में और सारे अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।